पॉजिटिव भारत को स्वागत करछु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस, भारतीय ओलंपिक खेलाड़ी को लालकिला डाकरा, टोकियो ओलंपिक्स रो भाग नेतिबा समस्त भारतीय खेलाड़ी अधिकारी को निमंत्रण देछंती प्रधानमंत्री। अगस्त 15 कार्यक्रम रे स्वतंत्र अतिथि भावे जोगदेबा को डाकिले मोदी। ब्रोंज पदक सह देश को फेरिले सिंधु, दिल्ली विमान बंदर रे विपुल स्वागत संवर्धना, सफलता कामना करितिबा समस्त को जणाइले धन्यवाद। सेपटे पारा ओलंपिक टीम इंडिया पई लॉन्च हला थीम सॉन्ग। प्रकाश पाइला सीबीएसई दशम परीक्षा फल, देश में पास हार 99.04%। मूल्यांकन में खुशी नथिबा छात्र छात्री ऑफलाइन रे देपारिबे परीक्षा, कृति छात्र छात्री को शुभेच्छा जणाइले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। केन्द्र सरकार तरफ चाषीों पर खुशी खबर, कृषकों आकाउंट को जीव नवम किस्ती, प्रधानमंत्री किसान योजन अगस्त 9 सुधा सबु चाषी को मिल टा। देश पालन करुछि स्वाधीनतार अमृत महोत्सव, जातीय संगीत गान करी वीडियो अपलोड करी अभियान में सामिल होगा अपील कले केन्द्र सरकार। संसद महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति तले जातीय संगीत गान कले बहु केन्द्रमंत्री। एथर संपूर्ण खबर अगस्त 15 स्वतंत्र अतिथि भावे भारतीय ओलंपिक दल, भारतीय ओलंपिक टीम को स्वतंत्र अतिथि भावे लालकिला को निमंत्रण करेंगे प्रधानमंत्री। यहापर प्रधानमंत्री आवास में जन जनों सह आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देशर इतिहास यह प्रथम होब जितेबाला ओलंपिक रे अंशग्रहण कर पूरा भारतीय टीम को स्वाधीनता दिवस समारोह स्वतंत्र अतिथि भावे लालकिला निमंत्रण करा। देशर खेलाड़ी को पूर्व केपरी सम्मान मिलना जापान रो राजधानी रे चली ओलंपिक गेम्स 2020 भारत पर निजर सबुठ बड़ कंटिजेंट पठाई खेलाड़ी और प्रबंधकों मिसाई मोट 228 जन को टोकियो पठाई भारत। देश को फेरिले भारत पर गौरव आनीथिबा सुना झियो पीवी सिंधु, जापान रो टोकियो रु आज दिल्ली एयरपोर्ट रे आसी पहुंचीथिले। वुमेन्स सिंगल रे भारत पर ब्रोंज पदक आनीथिबा बैडमिंटन खेलाड़ी पीवी सिंधु, चलित टोकियो ओलंपिक रे सिंधु निजर बा चीन रो बिंग जियांग को परास्त करी बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल रे भारत पर ब्रोंज मेडल हासिल करथिले। सिंधु होउछंती भारत प्रथम महिला खेलाड़ी जिकि भारत पर लगातार दुईट ओलंपिक रे दुईट मेडल जीति पारिछंती। गत रियो ओलंपिक रे मध्य से रौप्य पदक जीतिथिले एवं दिल्ली विमान बंदर रे पहुंचबा परे तांको विपुल स्वागत संवर्धना प्रदान करा जायथिला। तांको विजय को नै शुभेच्छा जणाइथिबा समस्त भारतीयों को से कृतज्ञता जणाइछंती। To begin the felicitation, I would like to invite Honorable Union Minister of State for Youth and Sports, Shri Nishit Pramani. आपण सीधा सळक देखि पर्चुन जे वर्तमान पीवी सिंधु को मध्ये नेकी वर्तमान प्रेस कॉन्फ्रेंस चली छि, जेउतरे के वर्तमान अछंती क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकुर अछंती एवं प्रतिरक्षा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मध्ये अछंती एवं तांको स्वागत संवर्धना दिया जाउ छि। पूरा फेलिसिएशन रो कार्यक्रम आपण को सामना रहि छि जे फेरिबा परे टोकियो रु वर्तमान पीवी सिंधु को स्वागत करिछि देश एवं वर्तमान केन्द्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में उपस्थित अछंती। पीवी सिंधु को फूल गुच्छ दे वर्तमान पुष्प गुच्छ दे तांकु मध्य संवर्धना जणा जाइछि स्वागत करा जाउछि। इस खुशी के माहौल में शामिल होने के लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा भारत की बेटी पीवी सिंधु जी को, जिन्होंने पहली बार ही नहीं ये दूसरा बार ओलंपिक में भारत की झंडा को और ऊंचा लहराया और उनके साथ साथ उनकी कोच को भी मैंने बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज इस खुशी की माहौल में उपस्थित है भारत की
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी, उपस्थित है टूरिज्म मिनिस्टर किशन रेड्डी जी, उपस्थित सभी सांसद वर्ग और उनके साथ साथ भारत की युवा एवं खेल मंत्रालय की मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह जी, पीवी सिंधु जी की परिवार का जो सभी सदस्य यहां पर उपस्थित है, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ खेल मंत्रालय की सेक्रेटरी एवं यूथ अफेयर्स की सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज दो शब्द मैं कहना चाहता हूं कि पूरब से लेकर दक्षिण जहां पर भी हम लोग आज देख रहे हैं, भारत में भारत की बेटी की जय जयकार है। टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन ही हम लोग ये उपलब्धि किया कि विजय की ताज जो पहले दिन हम लोगों को प्राप्त हुआ, भारत की बेटी मीराबाई चानू जी ने जैसे भारत की झंडा को टोक्यो की मिट्टी पर ऊंचा लहराया, वैसे ही धीरे धीरे हम लोगों को और विजय प्राप्त होगा। और भिन्नक्षमों जापान टोक्यो में अनुष्ठित होगा जाऊँगी समर पारा ओलंपिक 2020 अगस्त 24 रु सेप्टेम्बर 5 पर्यंत अनुष्ठित होगा 16तम पारा ओलंपिक भाग ने भारत समेत विश्वर विभिन्न देश। यह अवसर में भारत उन्मोचन करी पारा ओलंपिक थीम सॉन्ग टीम इंडिया पर ही थीम सॉन्ग को केन्द्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर लॉन्च कर। देशरे चिन्हट कोरोना आक्रांत संख्या एवं स्थिर रही स्थित को नियंत्रण आसीना देश में 44 जिले में एवं कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% ऊपर रही। 44 जिलूर अधिकांश केरल रही। देशर 6 राज्य 18 जिले में गत 4 सप्ताह कोरोना संक्रमण केस वृद्धि देखाई। स्वास्थ्य विभाग जुग्म सचिव लव अग्रवाल कहते हैं राज्यगुड़िक मध्य केरल महाराष्ट्र और मणिपुर सामिल होती तेज 18 जिले में संक्रमण प्रतिशत 47.5 रही। से देशर 222 जिले में कोरोना वायरस संक्रमण मामलें ह्रास घटी। जून 1 में देश में 279 जिले में 100 रु अधिक मामला सामना को आसुला एवं यह जिले संख्यार ह्रास हो 57 रही केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव लव अग्रवाल कहते। लोगों ने 4,14,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से पीक के रूप में ऑब्जर्व किए, जो अब घटते घटते करीब 30,549 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ हम एक और ट्रेंड नोट कर रहे हैं कि जो केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं देश में, वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री लिमिटेड एरिया से आ रहे हैं। तो जैसे जो टोटल केसेज अगर हम पिछले एक हफ्ते के भी देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 49.85% ऑफ द टोटल केसेस लास्ट वीक में वह केरला से रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ ही हम यह देखें, अगर एक पॉजिटिव दृष्टि के रूप में देखें कि जो केसेस की ट्रेजेक्ट्री है वह अब लिमिटेड एरिया में रह गई है। जैसे वीक एंडिंग 1 जून में 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर 100 से अधिक केसेज आते थे, 1 जुलाई तक आते आते ऐसे 107 डिस्ट्रिक्ट रह गए थे और अब यह संख्या घटकर ओनली 57 डिस्ट्रिक्ट्स रह गई है। तो यानी कि 222 जिलों में केसेस में कमी नोट की गई है। कोरोना महामारी भितरे देश में द्रुत गति में आगे चली वैक्सीनेशन काम। देश में वर्तमान सुधा कोरोना टीकार 47.85 कोटी डोज प्रदान करा जाय छे। 37.36 कोटी प्रथम डोज और 10.69 कोटी द्वितीय डोज रही। देश में प्रथम 10 कोटी डोज प्रदान पर 85 दिन समय लगी। 10 रु 20 कोटी टीकाकरण में पहुंचा 55 दिन समय लगी। 30 कोटी पहुंचा 29 दिन समय लगी। 30 रु 40 कोटी टीकाकरण
पहुंचिबा पई मात्र 24 दिन समय लगी और वर्तमान 40 रो 45 कोटी रे पहुंचिबा पई मात्र 11 दिन समय लगी। विषय आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ओवरऑल पेस ऑफ वैक्सीनेशन देश में स्टेट्स का सहयोग लेते हुए बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि देश में पहली 10 करोड़ डोजेज देने में वहां तक अचीव करने में हमें 85 दिन लगे, उसके बाद 10 से 20 करोड़ डोजेज के पहुंचने के लिए हमने उसको अपने पेस को बढ़ाया और हम वह संख्या यानी कि 20 करोड़ डोजेज की संख्या हम 55 दिनों में पूरी कर पाए। इसके साथ ही फर्दर स्पीड को बढ़ाया गया, प्रोसेस को बढ़ाया गया, पेस के ऊपर काम किया गया और 20 से 30 करोड़ डोजेज में जहां इससे पहले हमने 85 दिन या 55 दिन लिए, वह घटकर नंबर ऑफ डेज घटकर 29 डेज रह गई है। और साथ में 30 से 40 करोड़ डोजेज में फर्दर हमने प्रगति की और हम 24 दिनों में 10 करोड़ एडिशनल डोजेज प्रोवाइड कर पाए। और अगर हम देखें कि 40 से 45 करोड़ डोजेज में हमने अभी तक केवल 11 दिन लिए हैं और एक कंटिन्यूड बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग की साइट पर और डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स के साइट पर भी कार्य करते हुए इस पेस को कंटिन्यूड वे में बढ़ाया जा रहा है। आगो को खबर अभियान जारी रहेगा किंतु समय हुई गोटे छोटो ब्रेक रहा। ब्रेक परे स्वागत। देशरे मौसुमी वर्षा हेबा परे एबे द्रुत गति रे चाष कार्य आरंभ होउछि। वर्तमान चासिंको पई अर्थर आवश्यक होतिबा बळे केंद्र सरकार चासिंको देइछंती खुशी रा खबर। पीएम किसान रो नवम किस्ती पई अपेक्षा करथिबा चासिंको पई खुशी खबर। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे नवम किस्ती रा अर्थ अगस्त 9 रे समग्र देशर कृषकक अकाउंट को जीवो। तबे उत्तर प्रदेश रो कृषकक अकाउंट को 5 अगस्त रे अर्थ जीवो बोली जणा पडिछि। सेपरि मध्य प्रदेश रो चासिंको अकाउंट को 7 अगस्त रे टंका जीवो। सेहिपरि भाबरे समग्र देशर चासिंको पाखे 9 अगस्त सुधा अर्थ पहुंचि जीवो। वर्तमान पर्यंत एही योजना अंतर्गत कृषकक अकाउंट को 8 किस्ती पठा जाय सारिछि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे गुजरात रे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हिताधिकारी को सह कथा होइछंती प्रधानमंत्री मोदी। महामारी समय रे नागरिक मानन को समस्त संभाव्य सहायता जोगाइबा पई सरकार समस्त प्रकार उद्यम करूछंती ओ आगो को एहा जारी रहबो बोली आश्वासना देइछंती प्रधानमंत्री। आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आप लोग। गरीबंक पई प्रधानमंत्री को अन्न योजना गुजरातर गरीब कल्याण हिताधिकारीक सह मोदीक आलोचना। महामारी समय रे नागरिकंक सहायता जोगाइछंती सरकार। आगक मध्य एहा जारी रहबो बोली प्रधानमंत्रीक आश्वासना। राशन कार्ड हिताधिकारीक पई करा जाइछि विशेष व्यवस्था। अपन संस्कृति मा अन्न स्थान पूजनीय छे। तेरे देश न गरीबों माटे अन्न जीवन। आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए रे गुजरात रे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हिताधिकारी का सह कथा हुई चंती प्रधानमंत्री मोदी। एही योजना अधीन रे लक्ष लक्ष परिवार को मागणा राशन बंटा जाउछि। विशेष भावरे महामारी समय रे काम ओ रोजगार नथिबा देशर गरीब लोकंक अन्न चिंता को दूर करिछि एही योजना। कोरोना महामारी समय रे नागरिक मानंकु समस्त संभाव्य सहायता जोगाइबा पई सरकार समस्त प्रकार उद्यम करुछंती ओ आगकु एहा जारी रहिबो बोली आश्वासना देइछंती प्रधानमंत्री। स्वाधीनता परठारु प्राय प्रत्येक सरकार गरीब लोकंकु सस्तारे खाद्य जोगाइबा पई चेष्टा करिछंती किंतु अनेक क्षेत्र रे वितरण व्यवस्थार अभाव हेतु सस्ता राशन योजना सबु समय रे सफल होई पारि नाही। एही परिस्थिति को वर्तमान रा सरकार बदलाई पारिछंती। एही परिस्थिति को बदलाइबा पई 2014 परे नूतन कार्य आरंभ होइतिला। कोटी कोटी नकली हिताधिकारी को सिस्टम रु हटाई दिया जायछि। आधार को रेशन कार्ड सहित संयुक्त करा जिबा सहित सरकारी रेशन दुकान रे डिजिटल टेक्नोलॉजी को अनुमोदन करा जायछि। आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भुखमरी और कुपोषण में
उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। सूचना योग्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना जहां कोविड 19 समय रे आर्थिक दुर्बल स्तर लोक मान सहायता जगैवाई प्रधानमंत्री द्वारा धार्य करा जायतिला। एही योजना द्वारा जातीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुजाई समस्त हिताधिकारी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्य शस्य प्रदान करा जायथे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। देशरे टमाटो आलु एवं प्याजर सहज जोगाण पाई 2018-19 रु केंद्र सरकार कार्यकारी करिछंती ऑपरेशन ग्रीन नामक समन्वित उन्नयन योजना। एहा फलरे देशरु दूर होइछि प्याज एवं टमाटोर कळाबजारी। ए संपर्कर एक लिखित उत्तर माध्यम रे लोकसभा रे सूचना देछंती केंद्र खाउटी व्यापार मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। सूचना अनुसार केंद्र सरकार एक मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कार्यकारी करिछंती जहा द्वारा एपीएमसी माध्यम रे मंडी रु पनीपरिबार दर दाम संपर्क में तथ्य संग्रह करा जाउची। एही तथ्य सरकार को आगो मार्केट पोर्टाल एवं मोबाइल एप्लीकेशन जरिया कृषकों पाखरे पहुंचा जाउची। यहा द्वारा कृषक माने उपयुक्त मूल्य पाइबा सह प्याज आलू और टमाटो भली पनीपरिबार कळाबजारी मध्य नियंत्रण करा जाय परछि। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पाळुची देश। 2022 अगस्त 15 में देश स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्तिर उत्सव पालन करने को जाउछि। एहा पूर्वरु सारा देश में केन्द्र सरकार पक्षर स्वाधीनतार अमृत महोत्सव कार्यक्रम करा जाउछि। तबे एही अवसर जातीय संगीत गान करी सही समय रो वीडियो अपलोड करी एही अभियान रे शामिल हेबा पई अपील करिछंती केन्द्र सरकार। आज मोदी मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्री मानक सह बीजेपी सांसद माने मिसी संसद परिसर रे थिबा महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति तले ठिया होई जातीय संगीत गान करथिले। सूचना अनुसार 2022 अगस्त 15 रे देश स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति पालन करबा को जाउछि। एहार 75 सप्ताह पूर्व मार्च 12, 2021 रे महात्मा गांधी कर्मस्थल साबरमती स्वाधीनतार अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजादी के अमृत महोत्सव में आप सब लोग शामिल हो। आज मेरे साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री, कुछ सांसद, मेरा मान मेरा राष्ट्रगान इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और हम सब इकट्ठे मिलकर राष्ट्रगान गाएंगे भी, अपलोड भी करेंगे। तो आपको भी निमंत्रण है कि आप लोग राष्ट्रगान गाएं। तो मैं आपको आज एक इस मुहिम में जोड़ने जा रहे हैं। बुलेटिन रे समय छो आओ एक छोटो ब्रेक रो। ब्रेक परे स्वागत। प्रकाश पाइला सीबीएसई 10म रिजल्ट। cbseresults.nic.in और cbse.gov.in रे रिजल्ट प्रकाश पाई। देश में सीबीएसई 10म रिजल्ट रे पास हार 99.04% रही। चलित बर्ष रिजल्ट पाई विकल्प मूल्यायन करी सीबीएसई। प्रार्थी माने मध्ये सीबीएसई डिजिलॉकर वेबसाइट digilocker.gov.in को लॉगिन करी सेमानंकर रिजल्ट जानिपारे। यासह मार्कसीट एवं सर्टिफिकेट मध्य पाइपारे। तबे जो माने मूल्यांकन पद्धति रे खुशी नाहांती सेमाने ऑफलाइन जरिया रे परीक्षा देपारे। कोविड 19 स्थिति सुधरिबा परे एने निष्पत्ति नियाजिबो। दशम परीक्षा पाई प्राय 18 लाख छात्र छात्री रजिस्ट्रेशन करथिले। सूचना अनुसार चलित बर्ष कोरोना पाई सीबीएसई 10म एवं 12म परीक्षा बातिल होइतिला। बहुत खुशी अच्छे, एक्सपेक्टेशन तो बहुत बेसी अच्छे, सेटाई ऑब्वियसली बहुत खुशी अच्छे। 99 6-7 hours डेली तो सेटाई सेटिंग। मार्किंग पे मैं बहुत सैटिस्फाइड अच्छी। तो मार्किंग तो प्री बोर्ड हाफ ईयरली 9th रो एवडा सब नहीं की तो आई थिंक वेरी फेयर एंड मो सैटिस्फाइड अच्छी। रिजल्ट बहुत संतोषजनक रही। हमें बहुत खुशी क्या पिला बहुत परिश्रम करते शेष मुहूर्त भांगी पड़ते। साई इंटरनेशनल स्कूल चेयरपर्सन श्री विजय कुमार नाहंती वर्तमान किंतु स्पेशल ग्रेटिट्यूड तार पेरेंट्स मानक एफोर्ट को भगवान को आ समस्त सपोर्ट रे स्पेशल स्कूल सब टीचर्स गाइडेंस जहाँ जो से आज एत दूर पहुंची पार्टी 99% अचीव कर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी। कोविड सिचुएशन में भी एत सुंदर आपण मैंने छुआ को सपोर्ट कर बोर्ड को मध्य समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी।
सीबीएसई दशम रिजल्ट प्रकाश पाइबा परे कृति छात्र छात्री को शुभेच्छा जणाइछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट करी छात्र छात्री को सुउज्वल भविष्यत कामना करिछन्ति केन्द्र शिक्षा मंत्री। आतंकी मुक्त हेबो कश्मीर चलित वर्ष वर्तमान सुधा 83 जन आतंकी खेल शेष होबा परे एवं आउ 10 शीर्ष स्तरीय आतंकवादी ना जारी करिछि पुलिस। यह आतंकी माने वर्तमान कश्मीर में सक्रिय रही पुलिस टार्गेट रही कश्मीर पुलिस पक्षर जारी होता 10 जन आतंकी घाटी में सक्रिय या नुआ पुणा उभय सामिल होती पुणा आतंकी मध्य सलीमपर यूसुफ कंट्रो अदास शेख रेयाज सेटकुंड परी बड़ बड़ आतंकी रही चलित बर्ष सुरक्षाकर्मी विभिन्न एनकाउंटर में एक डर्जन रु अधिक शीर्ष आतंकी को निपात कर 84 जन आतंकी को सफा कर। समय सरिछि पॉजिटिव भारत को एठे रखुछु नमस्कार।